जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विद्यानंद और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल रही होगी। मेरी कोशिश यही रहती है गाइस कि मार्केट में जो भी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग आए उसे मैं आप लोगों के बीच जल्द से जल्द लाऊं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की जो जॉब ओपनिंग है गाइज वो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि यहाँ एक ही ओपनिंग में वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो ये जॉब गाइज आप लोगों के लिए बहुत ही सही है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जान। हाँ तो गाइज हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो जॉब ओपनिंग निकली है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक बात किया है, तो यहाँ पे जो जॉब ओपनिंग है इस रोल का नाम है जिस रोल के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाला है, तो उस रोल का नाम है गाइस टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट, यानी कि आपके आपको टेक्निकल सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। फ्रेशर्स एंड वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस, जैसा कि गाइज मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी जो वर्क रहने वाली है वो वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस से रहने वाली है। अगर मैं कंपनी की बात करूं गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एक्स प्लेसमेंट्स नाम की कंपनी है जो कि हायरिंग कर रही है। अब इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि प्रोजेक्ट एक्स में ही आपको काम करना है। यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ कि प्रोजेक्ट एक्स प्लेसमेंट, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट एक्स कंपनी है ये प्लेसमेंट का काम करती है। लाइक कि अपने इनके जो भी बड़े बड़े कंपनी हैं इनके क्लाइंट हैं उनको ये कैंडिडेट्स अप्लाई करने का काम करती है, तो एक बेसिकली प्लेसमेंट एजेंसी है। और यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया है कि हायरिंग फॉर देयर लीडिंग क्लाइंट, यानी कि इनके कोई अपने बड़े क्लाइंट हैं उनके लिए ये हायरिंग कर रही है। और जहाँ तक इस प्लेसमेंट एजेंसी की बात रही गाइस तो इसको मैंने पर्सनली वेरीफाई किया है, यहाँ की एचआर से मेरी बात हुई है, तो इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ये जो मार्केट में नई नई प्लेसमेंट एजेंसी है जो कि फ्रॉड करती है उस टाइप की नहीं है, और Naukri.com ने भी आई एम श्योर कि इनको वेरीफाई किया होगा तभी यहाँ पर इन्होंने अपना जॉब पोस्ट डाला है। तो आप यहाँ पर इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की गाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 0 to 5 years का एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं फिर भी आप इस जॉब के लिए सुटेबल हैं और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करूँ मैं गाइज तो यहाँ पे सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुड़गांव जैसी जगह में या फिर गुड़गांव जगह जैसी जगह की कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी तो 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ होगी ही होगी। अब जॉब डिस्क्रिप्शन की मैं बात कर लेता हूँ गाइस कि यहाँ पे आपका जॉब रोल क्या रहने वाला है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है। तो जॉब रोल पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि आप किस टाइप की कंपनी में जा रहे हो और फिर वहाँ पे काम क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्होंने मैंसन किया है गाइस इंस्टॉलेशन एंड कन्फिग्रेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इससे साफ पता चलता है गाइस कि ये जो भी कंपनी है जिसके लिए आपकी हायरिंग हो रही है ये टेक्निकल हार्डवेयर में डील करती है। एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ट्रबल शूटिंग स्किल्स। तीसरा गाइज है जो आपका कि एक्सपोजर वर्किंग फॉर आईटी कंपनीज अंडर रिमोट सर्विस डेस्क टेक्निकल सपोर्ट। चौथी जो आपकी गाइज है यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो होने वाली है प्रोवाइड सपोर्ट टू कस्टमर वाया फ़ोन, ईमेल और रिमोट एक्सेस, यानी कि जो भी कस्टमर है इनके अगर उनको कोई इशू आ रहा है तो उस इशू को आपको रिजॉल्व करना है ओवर फ़ोन कॉल या फिर ईमेल पे आपको चैट करके रिप्लाई देना है, और अदरवाइज़ आप उनके कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पे लेकर के भी काम करवा सकते हैं। उसके नेक्स्ट में है गाइस जो कि डायग्नोस्ट एंड ट्रबल शूट सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प कस्टमर इंस्टॉल एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम। अगर कस्टमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर में या फिर इंस्टॉल करने में एप्लीकेशन को, तो वहाँ पर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। यूज़ ईमेल एंड चैट एप्लीकेशन टू गिव क्लाइंट क्विक आंसर टू सिंपल आईटी इशू। उसके नेक्स्ट है गाइस जो डॉक्यूमेंट केसेस रिकमेंडेशन एंड रेजोल्यूशन क्लियरली इन द CRM सिस्टम टू टेक ओनरशिप ऑफ हॉट और मोर पॉलिटिकल केसेस एस्केलेटेड फ्रॉम लेस सीनियर इंजीनियर्स। उसके नेक्स्ट गाइस है आपकी स्ट्रांग एबिलिटी टू मल्टीटास्क एंड टेक फास्ट डिसीजन इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है गाइस मेंटेन कंपोजर एंड पेशेंस विथ कस्टमर। अब जॉब डिटेल्स में क्या रहने वाली है गाइस की सपोर्ट फॉर स्टोरेज डिवाइसेस, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस ड्राइव्स सॉरी नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। शिफ्ट आपकी टाइमिंग जो रहने वाली है गाइज वो 24/7 रोटेशनल शिफ्ट रहेगी। 24 घंटे में किसी भी टाइम आपको 8 घंटे का विंडो काम करने के लिए वो फिक्स पहले से बता दिया जाएगा। वर्किंग डेज की बात करूँ गाइज तो आपको 5 वर्किंग डेज मिलेगी वीक में एंड 2 वीक ऑफ मिलेगी एज मेंशन्ड हियर।
एंड ऑप्स जो रहेगी आपकी गाइस वीक ऑफ रहेगी, दो रहेगी, बट वो रोटेशनल रहेगी, कोई ऐसा फिक्स आपकी वीक ऑफ नहीं रहेगी, रोटेशनल रहने वाली है। सेलेक्शन क्राइटेरिया इनका क्या होने वाला है गाइस, गाइस तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एजुकेशन, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी बढ़िया है, अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट नहीं किया है और जॉब खोज रहे हैं तो वही आपके लिए ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एक्सपीरियंस के लिए क्या रहने वाला है गाइस, तो ग्रेजुएट साइंस या इंजीनियरिंग से वो रहने चाहिए, फ्रेशर विथ फ्लुएंट इंग्लिश वर्बल एंड रिटन लैंग्वेज स्किल्स। अगला है गाइस ग्रेजुएट नॉन साइंस का, अगर ग्रेजुएट है तो उसके लिए क्या रहना चाहिए, तो गुड टेक्निकल अवेयरनेस विल बी कंसिडर्ड, अंडर ग्रेजुएट विथ 6 मंथ ऑफ इंटरनेशनल टेक्निकल टेलीकॉम सपोर्ट एक्सपीरियंस, कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस। यानी कि कैंडिडेट को वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम के लिए रेडी रहना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो कंपनी आपको ऑफिस बुला सकती है, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट नीड टू विजिट ऑफिस ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग फॉर ऑनबोर्डिंग इंडक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है गाइज तो आपको एक दिन के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपको वहाँ पर जाकर के ही कराना पड़ेगा। आपके पास होनी क्या चाहिए गाइज इस जॉब के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए गाइज 100 Mbps का, बट जनरली 100 Mbps का अगर नहीं भी है तो अगर 10 Mbps का भी है तो आप काम यहाँ पे चला सकते हैं। आपके पास एटलीस्ट एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने कुछ शेयर किया गाइज कि कैंडिडेट शुड बी कंफर्टेबल विथ वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, यानी कि आपको वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए तैयार रहना होगा, जब तक कोविड है या फिर जब तक कंपनी ने चाहा तब तक आपको वर्क फ्रॉम होम काम करवाएगी, बट अगर उनको लगा कि वर्क फ्रॉम ऑफिस काम करना है आकर के, तो फिर आप वहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते और आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना होगा। ऑनबोर्डिंग फ्रॉम ऑफिस देन वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आपको जैसा मैंने अभी बताया कि आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो ऑनबोर्डिंग का जितना प्रोसेस होगा, ट्रेनिंग का जितना प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंटेशन का जितना प्रोसेस होगा, वो सारा का सारा प्रोसेस आपको इनके ऑफिस में जाकर के करना होगा, देन फिर आप अपना काम वर्क फ्रॉम होम में कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया गाइज यहाँ पे 20 ईयर्स ओल्ड से लेकर के 35 ईयर्स ओल्ड तक के पर्सन को ये जॉब के लिए एलिजिबल मान रहा है। इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या रहने वाला है गाइज, तो राउंड 1 आपका HR राउंड होगा जो कि टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, एंड राउंड 2 भी गाइज ऑफिस से आ जाएगा आपको, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी वो रहने वाला है। आपकी इंडस्ट्री क्या रहेगी गाइज, तो टेक्निकल सपोर्ट रहेगी, BPO कॉल सेंटर, कस्टमर सक्सेस सर्विस एंड ऑपरेशन, ये गाइज आपकी फुल टाइम जॉब होने वाली है और वॉइस रिलेटेड जॉब होने वाली है। एजुकेशन एज आई सेड गाइज की एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अगर ग्रेजुएशन नहीं भी है तो भी आपका ये हो सकता है। तो ये थी गाइज आज की जॉब डिटेल्स, तो ये थी गाइस आज की पूरी जॉब डिटेल्स। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपकी प्रोफाइल एक naukri.com पे होनी चाहिए, अगर आपकी प्रोफाइल naukri.com पे नहीं है तो आज ही आप naukri.com पे अपनी एक प्रोफाइल बना लीजिए, एंड इस जॉब की जो भी डिटेल्स है, जो भी लिंक है, वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, और सेम लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे देता हूँ, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लें, एंड वहाँ पे क्योंकि इसके अलावा और भी जो भी जॉब अपडेट्स आती रहती हैं तो वो मैं यहाँ पे आपको शेयर करता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।